गुड मॉर्निंग गाइस, अभी थोड़ा सा उजाला हो चुका है, नहीं तो मैं उठी थी ना तो एकदम बाहर अंधेरा था। अभी अच्छे से हो दिख भी रहा है। और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे किचन के किचन में, तो किचन में यहाँ पे जो फ़िल्टर है ना वो मुझे अभी साफ़ करना है और उसमें पानी भरना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं पूरी अच्छे से रेडी भी हो चुकी हूँ और अभी मैंने चाय भी पी ली है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि फ़िल्टर में जो पानी था ना वो भी कम हो गया था, तो इसलिए जो थोड़ा सा पानी था वो मैं यहाँ पे बॉटल में रख रही हूँ। और अभी मैं फ़िल्टर को अच्छे से धोकर फिर से उसमें पानी भरने वाली हूँ। तो पानी भरने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ना बैंगन है उसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो इस तो यहाँ पे बैंगन है उसको कट कर रही हूँ। और जो लाइट है ना वो चली गई, इसलिए यहाँ पे आपको अंधेरा दिखेगा। पता नहीं सुबह सुबह क्यों लाइट चली गई थी, बहुत देर तक लाइट ही नहीं थी। तो बस अभी मैं ये जो बैंगन है जो भी कटिंग करना का काम है वो कर दूँगी और बस सब्ज़ी बना दूँगी। तो वहाँ पे मैंने सब्ज़ी को पकने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं अभी चावल का आटा है उसको गूंद रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना बैठ कर ही गूंद रही हूँ क्योंकि ना कभी कभी मुझे ना खड़े रहकर काम करना मतलब नहीं होता है, तो इसके वजह से मैं बैठ कर ही काम करती हूँ। जो सब्ज़ी वगैरह कटिंग करना होता है ना तो भी मैं बैठ कर ही काम करती हूँ। कभी कभी बैठ कर करती हूँ, कभी कभी खड़े रहकर करती हूँ, जैसे मुझे लगता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो बस अभी इस आटे को गूंद लूँगी और उसके बाद जो जो भाकरी है वो बना दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बजे है 9 और मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो गया है, क्योंकि क्या है ना कि राज को जल्दी जाना था ऑफिस में, तो इसलिए मैंने जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बना दिया और वो अभी ऑफिस के लिए भी गया है। और देखो आज मैं ये वाली साड़ी पहनी है और इस तरह से रेडी भी हो गई हूँ। ये साड़ी मैंने पहले भी पहनी है, आप अगर आपने मेरे हर रोज़ ब्लॉग देखते होंगे तो आपने ये भी साड़ी देखी होगी। और आज मैंने ऐसे वाले इयररिंग्स पहने हैं। सो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। थोड़ी सी धूप आ रही है, ये देखो हल्की सी धूप आ रही है। और यहाँ पे है मेरे सारे पौधे, वहाँ पे मेरी रंगोली है, ये सारे पौधे भी हैं। और ये पौधा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो ऑफिस टाइम का पौधा है ना बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुका है। वैसे वो अच्छे से ग्रो हो ही जाता है, मुझे पता था, इसलिए ना मैंने उसको ले ही लिया था। तो मुझे ना अभी उसको कटिंग करके ना दूसरे भी पॉट में लगाना है। तो थोड़ा सा जो काम है ना वो बाकी है, वैसे लंच बनाना बाकी है और थोड़े से बर्तन भी है ना ब्रेकफास्ट के वो रह गए हैं, तो वो मैं बाद में करने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि रात को मैंने एडिटिंग नहीं किया था। जो मेरा क्राफ्टिंग का चैनल था ना उसका एडिटिंग कर रही थी, तो इस चैनल का रह गया है, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ, इसका एडिटिंग करूँगी। एक्चुअली मैं अभी वीडियो का एडिटिंग करती हूँ और बस बाद में आपसे मिलती हूँ। सो मैंने जो वीडियो अपलोडिंग का काम था ना वो मैंने कर दिया है। अभी बजे है 12:30, क्योंकि जब मैं वीडियो को अपलोडिंग के लिए डाल दिया था ना तो मैंने वहाँ पे डाल दिया, वो तो जल्दी ही हो जाता है, 15 मिनट्स में भी आराम से हो जाता है अपलोड। बट उस वक्त मैंने जो वाटन लगाना था ना, क्योंकि वाटन ख़त्म हो गया था तो मैंने वाटन लगा दिया मिक्सी को, और उसके बाद मैंने कपड़े भी थोड़े धोने थे वो भी धोकर आ गई हूँ। अभी सिर्फ एक काम मेरा रह गया है, वो है ये फर्श पोछना, क्योंकि सुबह मैं मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया, मुझे पोछना था फर्श को बट नहीं मिल पाया उतना टाइम। पता है आपको भी पता होगा अगर आप कि सुबह कितना काम होता है, सब कुछ तो काम सुबह नहीं हो सकता, तो बस ये काम मेरा रह गया है। तो सोच रही हूँ कि अभी शाम को कर लूँ, तो शाम को देख लूँगी, शाम को कर लूँगी, वैसे अभी तो इतना टाइम नहीं है। अभी मुझे आमटी भी बनानी है और थोड़ा राइस भी लगाना है। वैसे राज आज नहीं है, लंच के लिए नहीं है, वो बाहर गया है, इसकी वजह से आज लंच के लिए नहीं, मैं अकेली हूँ। बट फिर भी आमटी मैं बना दूँगी और राइस थोड़ा सा लगा दूंगी, बाकी तो वैसे सब कुछ है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन की ओर और करते हैं अपना काम। काम काम होता है यार, लेडीज का काम वैसे कभी ख़त्म ही नहीं होता।
काम तो चलता ही रहता है, ये करना है वो करना है, दिन कैसे चला जाता है ना समझ में भी नहीं आता। और आज मैं, पता है आपका, आज मैं कितने बजे उठी हूँ, आज मैं 5:30 को उठी हूँ और तब से बस काम कर रही हूँ। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ चौवी के आंटी। और जो ये मैंने कुकर को लगा दिया था बॉईल करने के लिए रख दिया था, सुबह ही मैंने रख दिया था, तो बस अभी मैं बना देती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। तो ये जो पानी का हंडा है ना, इसको मैं अच्छे से धोकर अभी उसमें पानी भरने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ना इतना वर्क नहीं था, तो इसके वजह से मैं अभी इसको धोकर इसमें पानी भर रही हूँ। सो जो भी काम था ना वो मैंने कर दिया है, आमटी भी बना रही है और पानी थोड़ा सा भरना था वो भी भर दिया। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ही भूख लगी है मुझे, क्योंकि आज जल्दी उठी हूँ और जब भी मैं जल्दी उठती हूँ ना तो भूख भी लगती है। ब्रेकफास्ट के टाइम ना फिक्स होता है हमारा 9 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम, तो 9 बजे मुझे भूख लगी ही जाती है। तो अभी खाने का टाइम हुआ है 1:30 हो चुके हैं, तो अभी खाना खा लेती हूँ और बाद में बाकी का देख लूँगी। तो चलो खाना खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है वैसे। हाय गाइस, अभी शाम होने को आ गई है, 5:30 बज चुके हैं और अभी यहाँ पे मैं फ्रेश होके आ गई हूँ, फेस को भी धो दिया अच्छे से और इयररिंग्स वगैरह साड़ी वगैरह जो भी थी ना वो निकाल दी मैंने पहले से। साड़ी तो इतनी देर तक नहीं होती है मुझसे पहनना, तो बस अभी फ्रेश होके आ गई हूँ। और जो फर्श क्लीनिंग करनी है ना वो मुझे करना है, सुबह मैंने बोला था कि फर्श जो है वो पोछनी है मुझे, तो अभी वही काम करने वाली हूँ। और बाहर का आपको दिखा देती हूँ, बाहर ही अच्छा लग रहा है, बाहर बैठने का मन कर रहा है, बट मेरा काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और वहाँ पे देखो मेरे रंगोली का क्या हो गया, ये देखो इतना उन पौधों को ना मैं पानी डाल दिया, तो जो पानी ज़्यादा हो गया ना वो नीचे आ गया और जो रंगोली थी ना उसके ऊपर पानी चला गया है। तो वैसे वो इतनी भी ख़राब नहीं हुई है बट उसके ऊपर पानी चला गया है। और मैं एक आपको दिखाना भूल गई हूँ, अभी दिखा देती हूँ आपको, ये देखो ये इस तरह से ना मैंने बॉटल का DIY कर दिया था। यहाँ पे मैंने 4 बॉटल्स लगा दिए हैं, तो सोचा कि वो विंडो एकदम ही खाली खाली लग रहा था, तो इसकी वजह से मैंने उस बॉटल को वहाँ पे लगा दिया। वैसे वो जो बॉटल है ना उसका शेप इतना अच्छा नहीं है, मतलब ये वाले जैसे बॉटल्स है ना वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बट उस बॉटल का इतना अच्छा शेप नहीं है, बट फिर भी मैंने उसका कर दिया। ऐसे फेंकने से अच्छा है कि उसका कुछ यूज़ कर सके, कुछ DIY कर दिया मैंने, कल ही कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि मैं क्राफ्ट का कुछ करने वाली हूँ, तो वही कर दिया था मैंने। चलो अभी फिर से घर के अंदर और हर काम करो बस। तो अभी मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद पोछ लेती हूँ। तो पहले मैं ना यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि धूल वगैरह आती ही है, तो इसके वजह से मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। तो वैसे सुबह मैंने झाड़ू लगाई थी बट फिर भी मैं अभी भी लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अभी छोटी झाड़ू लिया है, क्योंकि जो बड़ी वाली झाड़ू है ना उससे जो कचरा होता है ना वो सूप में नहीं आता है, फिर से वो ना फैलता रहता है, तो इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ छोटी झाड़ू लेकर सूप में जो कचरा होता है ना वो भरती हूँ। और अभी ये जो कचरा है वो भर दूंगी और उसके बाद अभी जो पोछा मारना है वो मारूंगी। तो यहाँ पे मैं पहले ना जो फर्स्ट जो बालकनी है ना हमारी वहाँ पे मैं पोछा लगा दूंगी और उसके बाद पूरे घर को पोछा भी लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं ना 2 दिन के बाद या फिर 4 दिन के बाद पोछा लगा देती हूँ। हर रोज़ मुझे उतना पॉसिबल नहीं होता है पोछा लगाना, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है और इतना सारा काम नहीं होता हर रोज़ करना, तो इसके वजह से मैं 2 दिन के बाद या फिर 4 दिन के बाद पोछा लगा ही देती हूँ।
तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कोथिंबीर वड़ी, यानी कि जो धनिया होती है उसकी वड़ी बनाने वाली हूँ। तो महाराष्ट्र में इसको कोथिंबीर वड़ी बोलते हैं। तो ये मैंने पहले से ही शेयर कर दी है, तो इसके वजह से आज मैं कोई रेसिपी नहीं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ी सी धनिया थी इसी उसी की मैंने ये जो कोथिंबीर वड़ी है वो बना दी है। और ये जो बाउल है ना, इसमें ही मैंने स्टीम करके रख दिया था, कुकर को ही मैंने लगाया था। और बस इसको अभी कट कर दूँगी और उसके बाद इसको जो डीप फ्राई करना होता है वो कर दूँगी। आप यहाँ भी शालो फ्राई भी कर सकते हो, बट मुझे डीप फ्राई पसंद आता है तो मैं डीप फ्राई करूँगी और बस हम उसके बाद डिनर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और बस हैप्पी रहिएगा।